सबसे पहले आप खोलेंगे ब्राउज़र, आपने खोलना है, उसके जाएं सर्च द वेब में, यहाँ आपने लिखना है जीमेल साइन अप, इसको आपने लिख कर एंटर कर देना है। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, आपने पहले ऑप्शन पे क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, ये आपने ब्लॉक जो है फिल करने हैं, अपना फर्स्ट नेम लिखना है आपने, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ इरफान मकसूद, तो मैं इरफान और लास्ट में लिखूँगा मकसूद, आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखें। नीचे आप वो एक आपको ऑप्शन दे देगा, इसने मकसूद इरफान 289 मुझे दिया, मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेता हूँ कि ये कोई मुझे इतना मज़े का नहीं लग रहा, तो मैं इसको 999 करके देखता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है, अगर ना होता तो उसने कह देना था कि ये अवेलेबल नहीं है। तो नीचे उसने एक ऑप्शन भी दिया था IM6371952, ये भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो जो है मैंने वो सिलेक्ट किया है कि वो मुझे इजी लगता है अपने लिए। नीचे आपने पासवर्ड लिखना है, वो पासवर्ड लिखना है जो सिर्फ आपको पता हो, किसी और को पता ना हो, जब कोई और अंदाज़ा भी ना लगा सके। इसमें पासवर्ड लिखें और याद रखें कि ये पासवर्ड आपने याद रखना है, इसको कहीं नोट कर सकते हैं, कर लें सेव जगह पे, और आगे कंफर्म सेम पासवर्ड लिखना है। अगर आपने इसमें कोई ज़रा सा भी कैपिटल स्मॉल का चेंज आ गया या कोई भी आगे पीछे हो गया, तो ये आपको उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, तो ये फिर कहेगा कि नहीं है, नेक्स्ट करेंगे आप। देखो नेक्स्ट किया मुझसे, ये सेकंड वाले में वो प्रॉपर नहीं लिखा गया, इसमें कोई एक आधे नंबर के फ़र्क पड़ गया था, अभी दोबारा मैं लिखूँगा इसको। और देखें वो भी कह रहा है कि आपको ने जो पासवर्ड लगाया आपको फ़ौरन ही अगर याद नहीं है तो फिर बाद में क्या मसला बनेगा, इसलिए कम से कम इसको फ़ौरन आपने याद रखना है। अब ये उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये आपका फ़ोन नंबर जो है, आप इस पर पहले जो फ्लैग बना है, जो आपका कंट्री है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं अगर वो अकॉर्डिंगली नहीं है। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान का तो फ्लैग लगा हुआ है। आगे आपने फ़ोन नंबर लिखे, मोबाइल नंबर जो भी आपका है उसको आप इसके अंदर प्रॉपर लिखें जो आपके पास अपना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपने इसको दोबारा बताना होगा ताकि इनको पता चले कि कोई और नहीं, ये आप ही काम कर रहे हैं, आपका ही बनेगा। अब देखें वो जो कोड आया वो आपने यहाँ एंटर करना है, वो एग्जैक्ट कोड आप लगाएंगे तो ये वेरीफाई होगा, अगर आपका कोड ये वो नहीं होगा तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो अभी मैं इसमें एंटर करता हूँ अपना कोड जो मुझे रिसीव हुआ है, मैं फ़ोन से देख रहा हूँ ज़रा, ये देखिए मैंने कोड एंटर किया है, उसके बाद वेरीफाई दबाया, वेरीफाई दबाने के बाद उसने कहा कि ये कोड आपका नहीं है, रॉन्ग कोड है। कोड असल में आज दो तीन मैंने और भी काम किए थे, कोड आए थे मुझे तो ले, अभी मैं दोबारा देख के ज़रा काउंट लगाता हूँ, इसका कोड लगाता हूँ प्रॉपर। हाँ ये कोड था असल में, वो पहले गलत हो गया था, ये कोड ठीक है। अभी वेरीफाई, ये देखिए मेरा वेरीफाई हो गया। यहाँ आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आपकी इसको पासवर्ड भूल जाता है या कोई इस आपके ईमेल एड्रेस को कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो आपको इस दूसरे जो रिकवरी ईमेल है इसके ऊपर आपको वार्निंग आएगी, तो या इसके ऊपर आपको दोबारा वो रिडायरेक्ट करेगा, अगर पासवर्ड आपका भूल भी जाता है आपको अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ से आप दोबारा आपको अपने उस अकाउंट को, उस ईमेल को आप खोल सकते हैं। वो आप लिखेंगे नीचे, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर लिखें, जेंडर लिखें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने इसी को बताना है कि यस आई एम इन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। इसके बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं इनकी, इसको आपने सारे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री, क्योंकि एग्री करेंगे तो ये बनेगा, तो एग्री कर दें आप, इसको क्लिक कर दें। वेलकम इरफान मकसूद, ये देखें मेरा ये नया जीमेल अकाउंट बन गया है, तो ये सारे जो आपको साइट पे नज़र आ रहे हैं ये सारे इसी एक अकाउंट के तहत ये सारे हैं। अब इसमें से जीमेल अपनी मेल भी खोल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो एवरीथिंग जिस जिसको आपने ये ईमेल अपना दिया होगा इसी पे आपको ईमेल वगैरह रिसीव होगी, और इसी से आपने किसी को मेल करनी है तो मेल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ ये कंपोज शुरू में लिखा हुआ है वो ऊपर देखें, टॉप ऊपर जहाँ मेल लेटर बना उसके नीचे यहाँ देखें कंपोज करेंगे, इस तरह कंपोज भी हो जाएगी और आप फॉरवर्ड भी करें और लोगों को रिसीव भी करें। तो इस तरह आपका ये बन गया। थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस, स्टे ब्लेस्ड, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ब्लेस्ड।